आज हम देखेंगे धनुषकोडी गांव और उससे जुड़ी पूरी जानकारी भी आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक है और स्वस्थ हैं। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल टूरिस्ट फेवरेट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस हम यहाँ लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे धनुषकोडी के बारे में, जिसे घूस टाउन भी कहा जाता है। धनुषकोडी भारत की अंतिम स्थलीय सीमा है। पहले धनुषकोडी एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल था। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, क्योंकि दिसंबर 1964 में यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था, जिसकी वजह से पूरा गांव तहस नहस हो गया था। इस चक्रवात में धनुषकोडी गांव में रह रहे लगभग सभी 1800 लोगों की जान चली गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन भी समंदर में डूब गई थी। इसके बाद से सरकार ने गाँव को मानव आवास के लिए उपनियुक्त करार कर दिया। अभी यह जगह खंडर में तब्दील हो रखी है। हालांकि द्वीप अब लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है, जो धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए पूरे गांव में फैले लगभग 50 झोपड़ियों में रहते हैं। धनुषकोडी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम धनुषकोडी गांव के होने के अवशेष देख सकते हैं, जैसे यहाँ का टूटा हुआ रेलवे स्टेशन, घर, चर्च आदि सब।
फिलहाल यहाँ दिन में कुछ दुकानें चालू होती है जो कि आसपास के गांव के लोगों की है। यहाँ के आसपास के गांव के लोग व्यापार के हिसाब से दुकानें लगाते हैं। फिलहाल यहाँ दिन में कुछ दुकानें चालू होती हैं और पर्यटक भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि शाम होने के बाद यहाँ आने पे या रुकने पे पाबंदी है और सुबह 6 बजे के बाद ही यहाँ आने की परमिशन होती है। यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आएं, यहाँ का नज़ारा, यहाँ की खूबसूरती बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा रामेश्वरम की अगर आपको जानकारी चाहिए तो रामेश्वरम की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप कौन सी जगह का वीडियो देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, हम उस जगह की जानकारी और वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।